चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग आज विश्व के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग आखिर जलप्रपात होते क्या हैं। तो याद रखिए, जलप्रपात पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है, और गिरने वाले पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। पहाड़ों के ढलान से होकर गुजरने वाली पानी की धाराएं भी जलप्रपात होती हैं। विश्व के अनेक पर्वतों पर विभिन्न प्रकार के गिरते हुए जलप्रपात देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को हम लोग एक तरह से जलप्रपात क्या कहते हैं, जलप्रपात। इसे हम लोग झरना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, झरना भी कहते हैं। यह एक प्रमुख प्रवाही जल कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है, प्राकृतिक झरने कई नदियों के उद्गम भी है। जलप्रपात के प्रकारों की बात करें तो खंडक होता है। इसमें खंडक में पानी एक अपेक्षाकृत व्यापक व्यापक धारा या पानी से नीचे गिरता है। फिर सोपानी जलप्रपात, सोपानी पात या क्रम प्रपात में जल चट्टानों की एक श्रृंखला से नीचे गिरता है। महाजलप्रपात, महाजलप्रपात अपने नाम के अनुसार एक बड़ा और शक्तिशाली जलप्रपात होता है। ढालू जलप्रपात, पानी की एक बड़ी मात्रा एक ऊर्ध्वाधर और सकरे उद्गम से नीचे गिरती है, उसे ढालू जलप्रपात कहते हैं। पंखा जल गिरने के साथ ही क्षैतिज रूप से फैलता है और नीचे गिरते समय हमेशा चट्टान के संपर्क में रहता है, इसे पंखा है जलप्रपात कहते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री एक ऐसा झरना है जिसके जल में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े समाहित होते हैं। खरदुम अवरोही पानी चट्टानी आधार के साथ कुछ संपर्क रखता है। गोता जलप्रपात जल चट्टानी आधार की सतह से संपर्क त्याग सीधा नीचे गिरता है। फिर खरल है, जल एक संकीर्ण जलधारा के रूप में उतरता है फिर एक व्यापक कुंड में फैलता है। विभक्त पानी अलग अलग झरनों के रूप में नीचे गिरता है। पांतिक सोपानी और विभक्त पातों का मिश्रण इस जलप्रपात में पानी अलग अलग धाराओं में चट्टानों की श्रृंखला से क्रम में गिरता है। बहुचरणी लगभग एक ही प्रकार आकार के एक के बाद एक झरनों की एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक का अपना गोता कुंड होता है। कैटाडुपा एक महाजलप्रपात का यह झरना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले विश्व का एक मानचित्र पर एक नजर डाल लेते हैं जिससे इनकी स्थिति के बारे में हमें पता चलेगा। ये आपका प्यारा एशिया, इसमें हमारा भारत भी है। ये हमारा भारत, ये श्रीलंका है, ये म्यांमार लगा हुआ है भारत से, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये आपका चीन है ऊपर, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, सीरिया, यहाँ तक आपका क्या हो गया, एशिया। फिर आपका यूरोप है, ये आपको इटली, बेलारूस, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये आपका। फिर ये अफ्रीका है, नीचे आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये दक्षिणी अफ्रीका तक, यही आपका मेडागास्कर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपका न्यूजीलैंड है नीचे। फिर देखते हैं दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, बोलिविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, सुरीनाम। फिर आपका ये उत्तरी अमेरिका है, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ ग्रीनलैंड है, आइसलैंड। तो ये है हमारे महाद्वीप, ठीक है, पृथ्वी। चलिए अब हम लोग मैप्स में इनकी स्थिति देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज शुरू करते हैं हमारे प्यारे भारत से, जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात के बारे में याद रखना है आपको कि यह जलप्रपात जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर अवस्थित है। इसे गढ़सुप्पा जलप्रपात भी कहते हैं लोग, ठीक है, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। फिर आपका यही आपका म्यांमार के पास खोने जलप्रपात है, ब्राउनी जलप्रपात। कौन सा? ब्राउनी जलप्रपात। यह आपका ब्राउनी जलप्रपात। ब्राउनी जलप्रपात के बारे में याद रखिए कि यह जलप्रपात न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में अवस्थित है। कहाँ है? दक्षिणी द्वीप के दक्षिण में, दक्षिणी द्वीप पर। अब चलते हैं हम लोग यूरोप में, तो ऊटी ये आपका, ठीक है, जोग जलप्रपात, खोने जलप्रपात हो गया आपका, ब्राउनी जलप्रपात हो गया ये, ठीक है। फिर है आपका ऊटी गोड़ जलप्रपात, तो इसके बारे में याद रखिए कि ऊटी गोड़ जलप्रपात यह उत्तरी पश्चिमी नॉर्वे में अवस्थित है। यह प्रपात तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 826 मीटर है। यह नॉर्वे के पर्वतीय भाग में अवस्थित है। स्टेफन फासफेन जलप्रपात, यही आपका। फिर हम अफ्रीका में चलते हैं, तो ये है आपका ओवन प्रपात। कौन सा? ओवन प्रपात। फिर आपका नीचे लिविंग स्टोन जलप्रपात, यह जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप के कांगो में कांगो नदी पर अवस्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है, यह पर्यटन की दृष्टि से संबद्ध है, लिविंग स्टोन जलप्रपात, ठीक है। स्टैनली जलप्रपात है आपका, स्टैनली जलप्रपात मध्य अफ्रीकी देश कांगो में कांगो नदी पर अवस्थित है, प्राकृतिक जलप्रपात है, ठीक है। इसे वो यामा प्रपात भी कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात है आपका। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे बॉम्बे की सीमा पर जम्बेजी नदी पर लिविंग स्टोन नगर के पास स्थित 108 मीटर ऊंचा एक प्रपात है, जिसे द स्मोक दैट थंडर्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका टुगेला प्रपात। कौन सा? टुगेला प्रपात। इसके बारे में याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में अवस्थित है, जिसका दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 948। फिर चलते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में, ईगू आसो प्रपात। ईगू आसो प्रपात, यह जलप्रपात पराना नदी पर अवस्थित है। यह आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह जलप्रपात ब्राजील में अवस्थित है। यही आपका पाउलो अफांसो प्रपात है। यह जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में ब्राजील में अवस्थित है, ठीक है। यही आपका एंजल प्रपात है, एंजल जलप्रपात। इसके बारे में याद रखिए कि दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में ओरिनिको की सहायक कोरोनी नदी पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 979 मीटर ऊंचा है। इसकी खोज जेम्स एंजल ने 1935 में की थी। उन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात का नाम एंजल पड़ा, ठीक है। सबसे ऊंचा एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर हम लोग उत्तरी अमेरिका में चलते हैं, नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा नदी पर स्थित यह जलप्रपात विश्व के मैजेस्टिक जलप्रपातों में से एक है। इस प्रपात को गोट द्वीप दो भागों में विभाजित करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 55 मीटर है। आपका यही इंटरनेशनल फॉल्स है, इंटरनेशनल फॉल्स। इसके बारे में याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत की उत्तरी सीमा पर कनाडा की सीमा के पास स्थित एक जलप्रपात जो रेनी नदी पर अवस्थित है। इडाहो प्रपात, आपका इडाहो जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो राज्य में स्नेक नदी पर अवस्थित है, ठीक है। फिर अलेक्जेंड्रिया प्रपात, इसके बारे में याद रखिए कि अलेक्जेंड्रिया प्रपात कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेट झील में गिरने वाली की नदी पर
स्थित एक जलप्रपात है। ये थी आपकी प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं? अलेक्जेंड्रिया प्रपात, इडाहो इंटरनेशनल फॉल्स, नियाग्रा। दक्षिणी अमेरिका में एंजल प्रपात, पाउली अल्फांसो, अफांसो, इगुआसो। फिर अफ्रीका में है आपके ओवन प्रपात, लिविंगस्टोन प्रपात, स्टैनली प्रपात, विक्टोरिया प्रपात, टुगेला प्रपात। यूरोप की बात करें तो स्टफेन फासफेन प्रपात, ऊटीगोड़ प्रपात, भारत में जोंग प्रपात, खोने प्रपात, ये आपका म्यांमार के पास है, ब्राउनी प्रपात। ब्राउनी प्रपात आपका न्यूजीलैंड में है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, यह आपका नियाग्रा नदी पर स्थित एक जलप्रपात, विश्व के मेजेस्टिक जलप्रपातों में से एक है। इस प्रपात को गोट द्वीप दो भागों में विभाजित करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 55 मीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर इरी व ऑन्टेरियो झील के मध्य स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भी है। फिर आपका विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर जम्बेजी नदी पर लिविंगस्टोन के नगर के पास स्थित 108 मीटर ऊंचा एक प्रपात है, जिसे द स्मॉक दैट थंडर्स भी कहा जाता है। 17 नवंबर 1855 में लिविंगस्टोन ने इसका पता लगाया तथा इसका नाम महाराणा महारानी विक्टोरिया के नाम पर किया गया। वर्ष 1952 में यहाँ विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क स्थापित किया गया। फिर आपका स्टैनली जलप्रपात, मध्य अफ्रीकी देश कांगो में कांगो नदी पर स्थित एक प्राकृतिक प्रपात है जो भूमध्य रेखीय बनों में स्थित है। इसे बोयामा प्रपात भी कहा जाता है। फिर आपका अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील में गिरनी वाली नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। इडाहो जलप्रपात, यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो राज्य के स्नेक नदी पर स्थित एक जलप्रपात, जिसके दक्षिण इसी नदी पर अमेरिकन फॉल्स जलाशय स्थित है। फिर आपका इंटरनेशनल जलप्रपात, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत की उत्तरी सीमा पर कनाडा की सीमा के पास स्थित एक जलप्रपात जो रैनी नदी पर स्थित है। यह एक ग्रीष्मकालीन पर्यटक केंद्र भी है आपका। फिर आपका एंजल्स जलप्रपात, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में ओरी निको की सहायक नदी कोरोनी नदी पर स्थित, याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 979 मीटर ऊंचा है। इसकी खोज जेम्स एंजल ने 1935 में की। उन्हीं के नाम पर इसका नाम, इस प्रपात का नाम क्या रख दिया, एंजल प्रपात। फिर है आपका इगुआसो जलप्रपात, यह जलप्रपात आपका पराना नदी पर अवस्थित है। यह आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह जलप्रपात ब्राजील में अवस्थित है। टोगेला जलप्रपात, दक्षिणी अफ्रीका के नेटाल प्रांत में स्थित टोगेला जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। ऊटी गोड़ जलप्रपात, उत्तरी पश्चिमी नॉर्वे में स्थित यह जलप्रपात तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 826 मीटर। यह नॉर्वे के पर्वतीय भाग में अवस्थित है। फिर आपका पाओलो अफांसो जलप्रपात, यह जलप्रपात आपका दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में ब्राजील में अवस्थित एक खूबसूरत जलप्रपात है। जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर अवस्थित है। इसे गरसुप्पा नाम से भी जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह आपका 255 मीटर ऊंचा है। ठीक, लिविंगस्टोन जलप्रपात, यह जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नदी पर अवस्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है, यह पर्यटन की दृष्टि से संबद्ध है। ब्राउनी जलप्रपात, यह जलप्रपात न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में अवस्थित है। तो ये थे आपके प्रमुख जलप्रपात। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में। ठीक है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी,